रंका झारखंड सरकार के कृषि मंत्री रामेश्वर उरांव का रंका भाजपा उत्तरी मंडल की ओर से किया गया पुतला दहन। इस संबंध में रंका उत्तरी जिला परिषद मुरारी यादव ने बताया कि किसान कर्ज लेकर धान पैदा किए हैं, जो झारखंड सरकार किसानों का धान नहीं ले रही है, जिसके विरोध में रंका भाजपा उत्तरी मंडल के लोग झारखंड सरकार के कृषि मंत्री का पुतला दहन कर विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगर किसानों का धान ससमय नहीं लिया तो हम भाजपा के लोग बाध्य होकर किसान हित में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इनके साथ में भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष संजय सिन्हा, विधायक प्रतिनिधि संतोष तिवारी, विनोद राम, अजय कुमार रवि, भोला ठाकुर, वीरेंद्र चंद्रवंशी, दिनेश चंद्रवंशी, विश्वनाथ यादव, जगदीश सिंह आदि सैकड़ों भाजपा के लोग उपस्थित थे। धान क्रय केंद्र नहीं खुलने से झारखंड के किसानों पर आहत गुजर रहा है। झारखंड के किसान पसीना बहा करके अपना धान का उपज किया, लेकिन झारखंड की सरकार है जो जनता के किसान को ठग रहा है, छल रहा है। उस निमित्त पूरे आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आदेश के निर्देश पर हम पूरे रंका प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी की ओर से झारखंड के सरकार के विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला दहन किया है, जो कि झारखंड सरकार अविलंब किसानों के हित में धान क्रय केंद्र चालू करके किसानों का उपज धान को खरीदारी करे उचित मूल्य, जिससे किसान का जो लगा है और उनका जो सोच है उसका मुहैया पूरा हो। किसानों का जिस हाथ लगा करके जो जिन्होंने उपज किया था उनका हक किसानों तक जाए, इसी निमित्त हम लोग पुतला दहन किसका किए हैं? पुतला दहन रामेश्वर उरांव जी को किए हैं, झारखंड सरकार के मंत्री खाद्य पूर्ति मंत्री जी को। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि धान जब तक सूखता नहीं है हम धान क्रय केंद्र चालू नहीं करेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि धान अगहन में उपजता है और अगहन में बिकता है। धान कोई ओदा दूधे में काट करके कोई किसी को नहीं देता। इससे पूर्ववर्ती सरकार भी हम लोगों का जो था भारतीय जनता पार्टी के रघुवर जी के सरकार था, धान क्रय केंद्र खोल करके खरीदारी किए थे। उसमें जिस प्रकार से किसान धान ले गया उस हिसाब से उनका मूल दे करके पूर्ववर्ती सरकार लिए, लेकिन आज सरकार बदलने के बाद जो किसानों के ऊपर आघात हुआ है उससे पूरे झारखंड के किसान माने घायल हैं। आज अफसोस में है कि हमने बहुत भूल की जी, इस निकम्मी सरकार को हमने कुर्सी दे करके आज अपने ऊपर खंजर चला रही है। इस सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है, इसलिए पूरे झारखंड की जनता एक तरफ होकर के झारखंड के विपक्ष में खड़ा है और झारखंड की सरकार को माने जब तक धान खरीदारी नहीं होगा यहाँ से लेकर प्रदेश तक आंदोलन होता ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के सदन से लेकर के और संडक तक सभी लोग संगठित है और इसका विरोध भाष होता रहेगा जब तक झारखंड सरकार धान क्रय केंद्र नहीं खोलती है।